हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, IITs, NITs या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे प्रोफेसर लोगों को काफी फ्रीडम होता है, वो कैसे एग्जाम पेपर सेट करते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन एग्जाम्स में एक्सेल करना है आपको। मैं स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने के लिए कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, IITs, NITs, यहाँ के प्रोफेसर्स को बहुत फ्रीडम होता है अपने कोर्सेस सेट करने का, और उसी तरह वो एग्जाम्स भी सेट करते हैं। उनको कोई बोलने वाला नहीं होता कि ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया या फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों डाल दिया, एज लॉन्ग एज इट इज फैक्चुअली करेक्ट। ठीक है, मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है एक प्राइवेट से कॉलेज में, लेकिन वहां पे बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता प्रोफेसर लोगों को या फिर टीचर लोगों को। दे आर जस्ट लाइक कि ऐसा ऐसा पैटर्न है, वैसा ऐसा पेपर निकालना है, एक एप्लीकेशन बेस्ड निकालना है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड होना चाहिए क्वेश्चन, और एकदम घिसा पिटा पैटर्न। और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता था प्राइवेट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि सारे बच्चे पास हो जाए, सारे बच्चों को स्कोर करना आना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन अगर हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर का ऑब्जेक्टिव देखें, तो वो ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे बेस्ट से बेस्ट जो इंजीनियर्स है वो फिल्टर आउट होके निकल के आ जाए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, कि ये जो प्रोफेसर होते हैं ऐसा पेपर निकालते हैं कि लोग गलतियां करें, और उनमें से वो प्रोएक्टिव लोग चुन के लेके आए ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना कि पेपर में गलती हो जाए तो कुछ लोग शांत बैठ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं चल ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो पेपर में गलतियां करते हैं और फिर प्रोफेसर को जाके पूछते हैं कि सर इसको कैसे करना है, मैडम इसको कैसे करना है, देन दैट प्रोफेसर नोज कि ये बच्चे थोड़े प्रोएक्टिव लर्नर्स है, और उनको फिर अच्छा लगता है, दे फोकस ऑन सच पीपल मोर, फिर वो उनको रेकमेंड वगैरह कर सकते हैं। तो दीज आर सम साइंस कि आप अच्छे बच्चे बन सकते हो, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव लर्नर। तो बात करते हैं फ्रीडम की, तो किस तरह के क्रिएटिव पेपर्स प्रोफेसर लोग निकालते हैं इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि IIT गोवा के किसी प्रोफेसर ने एक ऐसा सवाल डाल दिया था एग्जाम में कि आप ही सवाल बनाओ, ठीक है, टॉपिक पे आप ही सवाल बनाओ, उसके बाद उसका जवाब भी आप ही लिखो। एक बहुत जबरदस्त क्रिएटिव आइडिया है जो फेमस टेक्निक पे बेस्ड है, और बहुत टफ होती है चीज ये। ऐसी चीज आप कहीं अपने प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं देखोगे, लेकिन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें बहुत देखने को मिलती है। एक IIT बॉम्बे का एग्जाम्पल है कि वहां पे एक्चुअली एक पाइपलाइन डालनी थी अंडरग्राउंड, और उसके कुछ कैलकुलेशंस थे जो भी थे, तो उस पे बेस्ड रियल लाइफ जो एक्चुअली होने वाला था IIT बॉम्बे में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया एक प्रोफेसर ने टेस्ट में। चार में से एक क्वेश्चन वो था, और उनका ये होप था कि कोई वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो अपना काम बच जाएगा कोई होशियार बंदा। अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया, और वो प्रोफेसर ने बोला भी था बाद में कि इतना टफ नहीं था, लेकिन जो भी था टफ इसलिए डाला कि मेरे को लगा कि ये कोई सॉल्व कर देगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो प्रोफेसर होते हैं ये रेलेवेंस के हिसाब से पढ़ाते हैं, रेलेवेंस के हिसाब से वो पेपर भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ के समझने वाली बात तो ये है कि हर प्रोफेसर ऐसा नहीं होता। कोई प्रोफेसर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेसर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस डिस्क्राइब एक्सप्लेन ऐसे क्वेश्चन डाल के खत्म करेंगे चीज। तो ऐसे बच्चे फिर उनके कोर्सेज उठाते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं। और आपके अप्रोच देखे जाते हैं दोस्तों। एक और एक क्रिएटिव अगर चीज देखी जाए तो ये थी कि हमारे जैसे एक पेपर में उन्होंने सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक डाल दिया, जैसे वो क्लास में कभी नहीं पढ़ाया था तो पैसेज टाइप वो टॉपिक डाल दिया, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, जैसे आप बुक पढ़ते हो इंट्रोडक्शन, और डायरेक्ट उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन डाल दिया। ऐसी भी क्रिएटिविटी होती है। तो आप पेपर पैटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, पेपर पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अगर ओल्ड प्रोफेसर है, बहुत कोई पुराने प्रोफेसर है, उनके पेपर पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर कोई ओल्ड प्रोफेसर है कि जो बहुत साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो सीनियर से बात कर लो और उनको पूछ लो कि कैसे पेपर होते हैं। इससे रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक हमारा कोर्स था, मेमोरी बेस्ड था, वो फ्यूल टेक्नोलॉजी करके था, और उसमें हमने सीनियर से बात की। सीनियर से हमें बोला कि ये जो सर है वो मेमोरी बेस्ड बहुत पूछते हैं, और जैसे ट्रिवियल फैक्ट्स ऐसे कुछ पूछते हैं, और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनके पेपर में। और उन्होंने ये भी बोला कि ट्रू फॉल्स, एक तो सारे फॉल्स होते हैं या फिर सारे ट्रू होते हैं, और ये हम सबको पता था। तो हम जब पेपर देने गए, पेपर जब चल रहा था और मैंने ट्रू फॉल्स देखे भाई, और ट्रू फॉल्स में मेरे को ऐसे ऐसे सब सब सही लग रहा है, सब सही लग रहा है, और एक तो ऐसे मेरे को लग रहा था ये तो डेफिनेटली ट्रू है, तो मैं सारे ट्रू करके आ गया। जब रिजल्ट आया मेरे को 0 मार्क्स थे, सब फॉल्स थे वो। तो ऐसे भी मेरे एक्सपीरियंस है।
एक एक्सपीरियंस ऐसा है दोस्तों मेरा कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना, उनकी पढ़ाने की टेक्निक, जैसे वो पढ़ाते हैं और ऐसे मरमर करते हैं, ऐसे मरमर मतलब ऐसे आगे जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं को सुनाई देगा, पीछे वालों को सुनाई नहीं देगा, तो अटेंशन ऐसे स्पैन होता ही नहीं था, तो पीछे बैठने वाले बच्चे मस्ती करते रहते थे, तो वो ऐसे खड़ा करते थे, यू स्टैंड अप एंड टेल, वो कुछ भी पूछ लेते थे उनको कि जो भी चल रहा है उसके बारे में पूछ लेते थे, और फिर बहुत डांटते थे क्योंकि उनको आंसर देना नहीं होता था उनसे। तो मैंने ये नोट किया कि वो पेपर में यही पूछे थे जो जिन्होंने फिर लोगों को खड़ा करके जो भी पूछा था वही उनके पेपर में आ जाता था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर क्लास। अगर आप क्लासेस सारे लगा देते हो ना दोस्तों, सारे क्लासेस करते हो, तो प्रोफेसर लोग मोस्टली क्लासेस से ही पूछते हैं। एक ओपन बुक टेस्ट करके क्रिएटिव पेपर टाइप एक होता है लोगों का, तो वो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं और बोलते हैं कि आप सॉल्व करो, सारे मिलकर सॉल्व करो, या फिर घर पे जाओ 3 दिन लगाओ और फिर मेरे को सॉल्व करके लेके आओ। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं लोगों ने बोला है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ओपन बुक टेस्ट में आप कोई भी बुक खोल के देख लो, एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट अप्लाई थिंग्स, आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको जो पढ़ाई करनी है दोस्तों वो एप्लीकेशन बेस्ड करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पता है ये वो कोई मैटर नहीं करेगा, आपका अप्रोच कैसा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो देखा जाएगा। कोई कोई प्रोफेसर क्या होते हैं कि क्लास में आते हैं, हाय हेलो कर दिया और डायरेक्टली बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, बोलेंगे या ये क्विज है उसके इसके मार्क्स है। तो आपको रेडी भी रहना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए, आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हो क्या या नहीं, ये चेक होता है इसमें। इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, आप हमेशा अगर क्लास लगाते हो, हर दिन अगर 1-2 घंटा लगा के रिवाइज कर लेते हो चीजें, प्रोएक्टिव लर्नर हो कि आपने प्रोफेसर को जाके कुछ चीजें पूछी हैं जेन्युइनली, कि अगर आपको नहीं आया किसी क्विज में या फिर किसी टेस्ट में, सो देन यू हैव मोर चांस टू स्टे अहेड। इसमें बताने लायक और एक चीज ये थी कि सबको चांस मिलता है स्कोर करने का क्लास में, ऐसे ऐसे टाइप की टेस्ट होती हैं कि जिसमें सबको स्कोर करने का चांस होगा, जैसे कोई सेमिनार टाइप को मार्क्स रहेंगे, कोई असाइनमेंट पे मार्क्स रखेंगे, कोई रिटन टेस्ट पे मार्क्स रखेंगे, कोई सरप्राइज क्विज पे रहेगा। तो ऐसे मेरे क्विज में मैं भी टॉपर था, 10 में से 2.5 नंबर आए थे मेरे सिर्फ सरप्राइज टेस्ट में, और मैं टॉपर था उसमें, बल्कि मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था, फिर भी मेरे को भी चांस था कि मैं अच्छा करूं, क्योंकि उस क्लास में मैं आगे बैठता था, वही सर जो खड़ा करके पूछते थे उन्हीं के क्लास में मैं आगे बैठता था, और मैंने कुछ चीजें सुन ली थी, मेरे कान पे आ गई थी, तो मैं सॉल्व कर पाया था चीजें। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव गुड अप्रोच। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होते हैं क्या? यस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में आज तक देखा है कि एक्सप्लेन ये फिर थियोरेटिकल बस डिस्क्राइब करो, नहीं भैया, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे बहुत ज्यादा, और वो कोई भी टॉपिक हो उसमें मैथ्स लाएंगे ही वो कुछ ना कुछ करके। तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, दे एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर इंजीनियर्स, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस पर वर्क करना शुरू करो और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको ऐसे सवाल नहीं आते तो आपका अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू कैन एक्चुअली डिस्क्राइब कि आप क्या क्या करोगे। प्रोफेसर लोगों को बहुत आदत होती है कि वो पेपर पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनके पास होगा टीए होगा तो टीए लोगों को दे देते हैं, तो टीए लोगों को बोलते हैं कि पढ़ के बताना, अप्रोच को मार्क्स दे देना। कई बार जो चेक होते हैं ना पेपर्स वो टीए लोग करते हैं, तो उनका काम ही वो होता है, तो प्रोफेसर लोगों को फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो सकती है कि आप अप्रोच में मार्क्स दो या फिर आप स्टेप्स में मार्क्स दो या फिर मत दो। कोई भी प्रोफेसर डायरेक्टली जैसे फाइनल आंसर गलत है तो गलत है, ऐसा भी करते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, यही मैं बोल रहा हूं कि सबको स्कोर करने का चांस है, और आईआईटी में जैसे मैंने बोला कि वो चांस देते हैं लोगों को इम्प्रूव करने का, और इसलिए प्रोफेसर लोग ऐसे सवाल डालेंगे कि उसमें आधे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, और टॉपर भी होगा तो वो 60% पे 50% पे होगा। तो ऐसे लोग फिर उनको पता चलते कि जो प्रोएक्टिवली उनके पास जाके पूछेंगे कि सर ये कैसे करना है वो कैसे करना है, और इस वजह से पेपर टफ रहेंगे, अप्रोच बेस्ड रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड में यार कैसा होता है, 1 घंटा होता है आपके पास, 2 घंटे होते हैं, उसमें आपको करेक्टली न्यूमेरिकल्स करना, इतने सारे चीजें करना बहुत टफ हो जाता है। एक और एक क्रिएटिव चीज मैंने देखी, मेरी वाइफ ने मुझे बोला था इसमें से काफी सारी चीजें, कि उनके एक सर थे कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते थे किसी प्रॉब्लम में, जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, तो उन्होंने n+3 दे दिए, तो आप सोचते बैठे हो अरे यार ये 3 वेरिएबल का करना क्या है, और आपके दिमाग में डाउट आने लगता है, अरे यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, इसमें टाइम चला जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक हो रहा है, देखो कि मेरे को पता है कि यही यूज होने वाला है और इसी से आंसर आएगा।
तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. इफ यू हैव डन दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम अर्लियर, तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें ये वेरिएबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ होक्स करने के लिए दिया हुआ है. तो वो फंसाएंगे भी आपको. देख रहे हो, अटेम्प्ट यही है हर पेपर में कि बंदा कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लूज करे. उसका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है, उसका एक्यूरेसी चेक हो रहा है, उसकी स्पीड चेक हो रही है, हर कुछ चेक हो रहा है. इसके बाद प्रेजेंटेशन भी चेक हो रहा है. लेकिन डरने की बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें एंजॉय करो. कोई भी ऐसा कोर्स में अगर कम नंबर आ जाता है तो चिंता मत करना, प्रोएक्टिव लर्नर रहना इंपॉर्टेंट है. आप प्रोफेसर को जाके हमेशा पूछो. मेरा भी ऐसा ही था, एक कोर्स में मैं बहुत जैसे बुरा था, मेरा ग्रेड बहुत कम था, लेकिन मैंने थोड़ा उसमें प्रोएक्टिविटी दिखाया था. मैं मेरे सर को जाके पूछता था तो वो सर ने मेरे पे पर्सनल अटेंशन देना शुरू किया. क्लास में वो मेरे को पूछते थे कि देवाशीष क्या तुम्हें समझ में आया, मैं फिर से तुम्हारे लिए बता रहा हूं. तो ऐसे एक दो बार उन्होंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फिर वो ऐसे प्रोएक्टिव लर्नर्स के पास ध्यान देते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये इनसाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का प्रोसेस. इंपॉर्टेंटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर ओल्ड प्रोफेसर है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, सीनियर्स से बात करो, सीनियर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे इनसाइट्स देंगे कि किस तरह के पेपर आते हैं. और क्रिएटिविटी आपको दिखने को मिलेगी, अगर नहीं भी देखने को मिलती तो सही है. कुछ प्रोफेसर्स होंगे कि जो एकदम ही नॉर्मल से क्वेश्चन पेपर निकालेंगे कि, लेकिन यू हैव द चांस टू एक्सेल. आप सारे क्लासेस लगाओ, अच्छी तरह से नोट्स निकालो और क्रिएटिविटी के लिए रेडी रहो, रेगुलर पढ़ाई करो. इसी से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे. डोंट वरी, आपका एग्जाम सीजन आ जाएगा एक महीने में और तब आपको ये चीजें देखने को मिल ही जाएगी. अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि हाँ हमारे प्रोफेसर ने ऐसा कुछ किया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ताकि सबको पता चले, हम उसमें भी कुछ इनसाइट्स देख पाएंगे. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो लाइक मार दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड विल बी मीटिंग सून विथ अनदर वीडियो. तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए.